वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल गाइस। और आज हम लोग आए हैं मालगोरी डेज को ट्राई करने के लिए। हमारे मालगोरी डेज आप लोग शायद टीवी में देखते होंगे, एक प्रोग्राम आता था, लेकिन आज हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं जो मालगोरी नाम से है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स का जो एक आंकड़ा है उसको छू लिया है। वी हैव कम्प्लीटेड नाउ 1000 सब्सक्राइबर एंड वी आर अ फैमिली ऑफ 1000 पीपल नाउ, मोर देन 1000, एंड इट विल इंक्रीज इन कमिंग टाइम्स। सो आई हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में बहुत सुना है कि यहाँ पे साउथ इंडियन फूड काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अभी हम लोग चल के देखते हैं कि आज हम लोग क्या खाने वाले हैं। और जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ, शेफ हूँ, शेफ की बातों का ज़रूर भरोसा करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। हम लोग ये जो मालगोरी नाम का जो जगह हम लोग आज कवर कर रहे हैं, वी विल ऑल्सो लुक अराउंड द किचन एंड वी विल ऑल्सो लुक अराउंड हाउ द प्रोडक्ट इज बीइंग मेड। एंड ऑल्सो हम लोग आंटी जी जो ओनर है यहाँ की, उनसे भी बात करें। आंटी, आपका नाम क्या है? भवानी शेट्टी। भवानी शेट्टी, भवानी शेट्टी। तो ये यहाँ की ओनर हैं, ये ही सब कुछ यहाँ के टेक केयर करती हैं। तो आंटी, आप लोग कब से खोले हो ये आउटलेट? ये बेटा 2 साल हो गया। 2 साल से हो गया और लोगों का रिस्पांस अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो आप लोगों का टाइमिंग्स क्या क्या हैं? हमारा 8 से 8 रहता है, सुबह 8 से रात को 8। सुबह रात से रात को 8 बजे से रात को 8। ओके। और जैसे कि आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ स्पेशल अभी पोड़ी डोसा है, जो लड़का भी बना के दिखाएगा, और पनियारम है। और पनियारम हमारे यहाँ बहुत ऑर्डर आता है, पनियारम का पोड़ी डोसा, इडली फ्राई, उत्तापम, मसाला उत्तापम होता है, ऑनियन और उसमें नारियल का उत्तापम होता है, आपम होता है, ये सब का ऑर्डर हमारे यहाँ ज़्यादा आता है। और आप लोग क्या आउटडोर कैटरिंग भी करते हो कि आप लोग बस यहीं ऑर्डर आने पर? ऑर्डर आने पर। ऑर्डर आने। और आप लोगों का सब कुछ होममेड है? होममेड है, हमें खुद बनाते हैं हम लोग। ये मसाला जो इडली पोड़ी जो बोलते हैं हमारे यहाँ साउथ में, उसको यहाँ गन पाउडर बोला जाता है, उसको पोड़ी बोलते हैं, गन पाउडर को। हाँ। तो पोड़ी को बिछाते हैं, उसमें ऑयल डाल के बनाते हैं, घी वाला भी बनता है जिसको घी वाला चाहिए। और फिर ये पोड़ी हम लोग हाथ से बनाते हैं, इसमें पूरा गोल मिर्च, जीरा, सब अच्छे मसाले पड़ते हैं जो अपने शरीर के लिए अच्छा होता है। अच्छा। और ये जो सांभर मसाला, वो भी हम अपने हाथ से ही बनाते, बाहर से नहीं लेते। ज़्यादातर हम लोग मसाले अपने हाथ से ही बनाते। और सारी प्रिपरेशन आप खुद करते हो? आप लोग? मैं खुद करती हूँ, हेल्प के लिए मेरे यहाँ लड़के हैं दो। अच्छा। लोग भी हेल्प करते हैं मेरा। हाँ, मसाले तो मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये पोड़ी डोसा बनेगा और पनीरम कैसे बनेगा। साथ साथ में आंटी थोड़ा बहुत हम लोग को हेल्प भी करती जाएंगी कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पहले अपन लोग पोड़ी डोसा देखते हैं। ये डोसा 35 का है ना? हाँ। और घी वाला भी, ये घी वाला ही 35 का है? अच्छा, घी का 45 है और नॉर्मल ऑयल का 35 है। जब तक ये डोसा का हम लोग देख रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने एक वीडियो भी देखा है आपका जिसमें पोड़ी डोसा ट्राई हो रहा था, तो मैं भी बोला कि मैं भी आऊंगा। और ये पूड़ी क्या ना, ये पूड़ी थोड़ा सा रहता है, मसाले का जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं जब हैदराबाद में था जी, तो ये पूड़ी का ना कलर काफी नेचुरल है, रेड हो जाता है, उसमें रेड दाल, जो रेड चिली होता है, कश्मीरी चिली, हाँ, उसको पीसने से क्या पूड़ी का कलर रेड हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मैंने जो हैदराबाद में खाया वो काफी रेड रहता था। हाँ, रेड इसलिए आता है जो अपन कश्मीरी मिर्ची मिला देते हैं तो कलरफुल हो जाता है, वो रेड हो जाता है। अच्छा। स्वाद तो यही रहेगा, और मैं क्या स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहती। आप अपना और क्या अपना एक टच भी रहता है ना, घर वाला टच रहता है। अगर कश्मीरी मिर्ची डालूंगी तो रेड तो दिखेगा, लेकिन उसका स्वाद जो है नेचुरल वो बिगड़ जाएगा। सही बात है, सही बात है। इसमें तो इसके साथ आप लोग क्या देते हो? चटनी और सांभर? और चटनी एक टाइप की भी दो? अच्छा, गोल मिर्च, लहसुन, लहसुन भी रहता है इसमें। हाँ। गोल मिर्च, जीरा, हींग,
इसका ज़्यादा तेज रहेगा, मैं बाकी मैं सूखी मिर्ची कम डालती हूँ। आज मतलब मैं अपने कॉलेज के डेज को वापस रिलीव करूँगा, मतलब कि बहुत सालों बाद मैं ऐसे पोड़ी डोसा खा रहा हूँ, क्योंकि कहीं मिलता देखने को कम ही मिलता है। नुकसान अपने शरीर को नहीं होता, सूखी मिर्ची के हर किसी को फूड नहीं करता। अच्छा, तो इसमें गोलमिर्च, जीरा और हींग का ज़्यादा स्वाद रहता है, तेज उसी का रहता है बस। ठीक है, बाकी इसके बाद अपन लोग एक पनीरम भी देख लेंगे। फिलहाल इसकी प्लेटिंग देखते हैं, सीधा आएगा उस प्लेट में। काफी एलिगेंट प्लेटिंग लग रही है और बहुत अच्छा। ये चटनी को अल्लम चटनी बोलते हैं ना, अल्लम मतलब जिंजर होता है साउथ में, और ये कोकोनट चटनी और अपना सांभर और ये अपना पोड़ी डोसा। इसकी टेस्टिंग भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग पहले देखते हैं कि पनीरम कैसे बन रहा है, तो अपन उस तरफ चलते हैं। ये हमारा पनीरम बन रहा है और इसको अप्पे भी बोलते हैं ना। हाँ, ये अप्पे यहाँ बोलते हैं, ये ज्यादातर हम लोग तमिल लोग बोलते हैं इसको पनीरम। अच्छा, आप तमिल हो ना? हाँ जी, तमिल है। शेट्टियार हम लोग हैं। शेट्टी की याद आती है तो रोहित शेट्टी की याद जरूर आती है। हम लोग खाने का शौक बहुत रखते हैं साउथ वाले। और ये एक प्लेट में शौक था जो मेरा ना, ये शौक खोलने में मजबूर हो गया मैं। क्यों मालूम? मेरे शौक से ना मैं बनाती थी ये पनीरम पोड़ी डोसा, तो हमारी यहाँ लड़की ऑफिस ले जाती थी, तो उनके बॉस है ना, वो मेरे को बोले कि नहीं आंटी, आप तो शॉप खोलो, अब जरूरत नहीं है, आप घर में बनाते, हम लोग खिला लिए, अब सबको खिलाओ। तो उनके कहने आपका जो खाने से एक जो प्यार था वो आपको यहाँ लेके आया, इसीलिए ना मैं अभी भी बनाती हूँ ना अपने घर में, जैसे पहले बनाती थी सेम वैसे ही बनाती हूँ, वही चाहिए आंटी। और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट लोग हैं वो काफी आते होंगे यहाँ पे कि घर जैसा खाना मिलता है। हमारी फैमिली भी बहुत है, फैमिली अपने मतलब फैमिली आती है। मैं तो अपनी फैमिली को लेके आऊंगा, कोशिश करना पड़ेगा कि 8 बजे के पहले हम लोग आ सके। मालगुड़ी का माहौल है ना, शॉप जैसे कम घर जैसे ज्यादा है, तो फैमिली आराम से आके बैठ के खाती है। आई थिंक बचपन में एक सीरियल भी आता था, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया, मालगुड़ी डेज करके। तो आपका एम्बियंस भी काफी अच्छा है। मालगुड़ी नाम जो कैसे दिमाग में आया आपके? मालगुड़ी मेरे दिमाग में नहीं आया, मालगुड़ी मेरी लड़की के दिमाग में है। शॉप का ना जब जितना है दिमाग ना उसी का है। अच्छा, बस मैं बनाने का काम करती हूँ, बाकी संभालती वही है। अगर नेक्स्ट टाइम हो सकता है, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आए तो उनसे मिलने का चांस मिले। बाहर गई हुई है जॉब में, उसका जॉब लग गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ भी संभालती है, अपना जॉब भी देखती है, तो जितना भी है उसका ही आइडिया है मालगुड़ी नाम रखना। और इसका जो सामने में जैसे गेट पूरा हम लोग का जो बना के मालगुड़ी का साउथ इंडियन का जो रखा हुआ है, थोड़ा एक एम्बियंस वैसे क्रिएट करना, सब उसी का है। मैं बस किचन का काम देखती हूँ और वही सबसे टफ काम है। मतलब क्या होता है कि सब कुछ देखने के बाद अगर जो खाना भी अच्छा अगर मुंह में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, फिर ओवरऑल एक पैकेज बन जाता है। जितना कोशिश करते बेटा हम घर जैसे सबको मिले, घर जैसे खाना रहे। इसके साथ भी सेम चटनी, सेम कोकोनट चटनी और अल्लम चटनी। हाँ हाँ, ठीक है। और ये कितने रुपए की प्लेट है आंटी? ये आपको 50 रुपीस प्लेट है। और इसमें कितने पीसेस रहते हैं नॉर्मली? 8 पीस। बहुत बढ़िया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आंटी, हम लोग सारी दिक्कत झेल लेंगे, बस आप अच्छे से बनाओ। ये क्या ना, यहाँ के लोग अप्पे जो बनाते हैं ना, हाँ, सूजी से बनाते हैं। और इसमें आपने क्या क्या डाला है? सूजी डाला है? नहीं, हमारे में सूजी हम लोग नहीं डालते। ये चावल आटा है, उड़द आटा है, मतलब जो आटे का रहता है उसमें हम लोग प्याज और गाजर मिर्ची ये सब डाल के हम लोग इसका घोल अलग बनाते तैयार करते हैं। और जो सूजी का रहता है ना, हाँ, उसमें दही मिक्स किया जाता है, हम लोग दही में मिक्स करते हैं। बहुत सही, बहुत हाँ, सही। ये लो,
तो अभी ये रेडी हो रहा है और अब हम इसकी प्लेटिंग देखेंगे, है ना। ये है पनीरम की प्लेटिंग, बहुत बढ़िया, परफेक्टली कलर भी हुआ है एकदम। और हम लोग को क्या है ना, थोड़े हम लोग इंडियन लोग हैं जो साउथ में नहीं रहते, दे मोस्टली लाइक थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्पी, हमको अच्छे से पका के खाना है, तो उस हिसाब से बहुत सही लग रहा है। अब इसमें क्या क्या जाएगा आंटी? इसमें रेड चटनी, ये हमारा कोयम्बतूर स्पेशल चटनी। कौन सी स्पेशल? कोयम्बतूर, कोयम्बतूर स्पेशल चटनी। ये जो है रेड चटनी, और ये है कोकोनट चटनी जी। बस ओए क्या जबरदस्त लग रहा है। आंटी मैं तो ना आज वीडियो के पर्पस से आया, लेकिन मैं आपका रेगुलर कस्टमर बन गया हूँ। थैंक यू। जब तक मैं यहाँ भिलाई में हूँ, जब तक मेरे को वापस ना जाना पड़े, तब तक मैं जरूर आऊंगा। और हमारे दोस्त जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आएंगे, और हम लोग फैमिली को लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। तो चलो अपनी टेस्टिंग करते हैं फिर। सो ये है हमारी डोसा और पनीरम की प्लेट, जैसा कि आप लोग कैसे बनता है हम लोगों ने दिखाया है। तो इट्स द टाइम फॉर टेस्टिंग नाउ, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डोसा, क्योंकि डोसा थोड़ा टाइम से रखा हुआ था। सो ये है हमारा पोड़ी डोसा, और ये इवनली जो मसाला इसमें लगा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इसकी टेस्टिंग, पहली बाइट लेके देखते हैं। ये वाली चटनी खा के मुझे मेरे हैदराबाद के दिन याद आ गए, जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था। आज भी मतलब 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन वो यादें मेरे मन से, मतलब मेरे दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता। आई हैड अ वेरी गुड टाइम इन हैदराबाद। आई विल गो फॉर वन मोर एंड देन वी विल टेस्ट दिस वन। कॉलेज से निकलते थे, सामने ठेला रहता था, वो बनाता था ये पोड़ी डोसा, उसमें चीज़ डाल दो, जो डालने डालो, एक नंबर टेस्ट आता था। अभी हम लोग ये टेस्ट करते हैं, ये हमारा पनीरम है, और बिल्कुल भी, ये देखो कितना फ्लफी है अंदर से, देखो क्या धुआं निकल रहा है, बहुत सॉफ्ट है, बाहर से क्रंची लग रहा है थोड़ा क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। अभी इसको तोड़ के अच्छे से चटनी लगा के ऐसे, और ये मेरे बहुत ही घर जैसा है, मेरी मम्मी भी बनाती हैं ये घर पे हमारे, और थोड़ा वो हमारे टेस्ट के हिसाब से बनाती हैं, बट ये भी बहुत अच्छा है। ये शायद मैंने बेंगलोर में ट्राई किया था लास्ट टाइम, मैंने जो एक एवरीथिंग टू ईट एट 20 रुपीज़ वाला एक वीडियो बेंगलोर में बनाया था, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ उसी दुकान में मैंने ये भी ट्राई किया था, उन लोग ने एक दिन के लिए स्पेशल रखा था, और उसके बाद मैं आज ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी हेल्दी है, और हम लोग को मतलब अपने मतलब हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए हम लोग ये ऐसी चीज़ों पे जा सकते हैं, कभी कभी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी मैं इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन आप लोग ये जगह में ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लेके आओ, जैसा कि टाइमिंग ऑलरेडी बोल दिए सुबह 8 से 8, तो प्लीज़ आओ ट्राई करो। और इट दिस प्लेस इज़ मस्ट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन हु लव साउथ इंडियन फूड। तो अभी इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, और उसको ख़त्म करके आप लोग से मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा, पोड़ी डोसा बहुत अच्छा था, और जो हमने पनीरम खाया वो भी अच्छा था। रिव्यूज़ मैं पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन जैसा आप लोग सब जानते हो, हम लोग एंड में ओनर से बात करते हैं, ओनर को मौका देते हैं कि भाई वो क्या अपने आप लोग से क्या बोलना चाहते हैं। तो आंटी अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़ आप बोल दो।
तब मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने शॉप में सबको घर जैसे देना चाहती हूँ स्वाद, जैसे हमारे घर में बनता है वही स्वाद रहे, और सब मतलब जितना हो सके कम रेट में पेट भर के खा के जाए ऐसा हो। अभी हमारे यहाँ शॉप में आप डोसा दूसरे जैसे जगह से देखेंगे उससे बड़े रहते हैं साइज में। पनीरम का प्लेट भी अगर आप एक प्लेट खाते हैं तो दिन भर फुर्सत। हमारे यहाँ इडली भी अगर एक प्लेट खा लेता है कोई तो पूरा दिन भर। मेरे अंदर भी ताकत नहीं है कि मैं घर जाके डिनर कर पाऊँ। हम लोग ये देखते हैं कि पैसे ही नहीं, जो आ रहा है पेट भर जाए उसका और उसका पैसा वसूल हो जाए और स्वाद भी मतलब घर जैसा मिले बस। तो दैट्स अ वेरी काइंड थॉट कि ऐसा सोचना ही बड़ी बात है। तो आप लोग ज़रूर एक बार इस जगह को ज़रूर ट्राई करना और मैं आप लोग से मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नई जगह के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।